राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी हमारा ये सवाल है कि अगर जो कोई परेशानी में अगर जो गुरु जी ये सवाल है मेरा कि कोई परेशानी में हो कष्ट में हो तो उसको कैसे निवारण किया जाए। परेशानियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी पूरी ताकत से ये देखो कि क्या उसका समाधान हो सकता है, समाधान पे जाओ। और गुरु जी एक बात आ रहा है, मेरे पापा आए हैं बात करना चाहते हैं आपसे। करा देना अभी इनसे बात कराओ। हाँ जब तक उनसे बात करा दो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सब लोग। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मैं भिवानी से आया हूँ, काफ़ी दिन से सत्संग सुन रहा था और दिल से तमन्ना थी मैं बिल्कुल नज़दीक से आपके दर्शन करूँ जी, तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला। आज जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे तो हमारी ट्रेन पहुँचते ही चल पड़ी। अच्छा ट्रेन निकल गई, उसके बाद दूसरी रोहतक की ट्रेन खड़ी थी, रोहतक वाली पकड़ ली जी। वहाँ से रोहतक आए तो 3 घंटे का गैप था ट्रेन के बीच में, 3-3.5 घंटे का। अच्छा तो एक छोटी सी बच्ची थी कोई 12-13 साल की थी, वो शायद माँ बाप से बिछड़ी हुई थी, बिहार साइड की थी। हाँ। तो उससे बात करने लग गए तो उसकी बातें हमें समझ नहीं आ रही थी, जार करना ऐसे कुछ बताई। काफ़ी काउंसलिंग करने के बाद टेलीफोन पे करके कॉन्टैक्ट उनके पापा से किया, उनके परिवार से मिला करके फिर मैंने ट्रेन पकड़ी। वाह देखो तो आपकी ट्रेन इसलिए लेट हुई थी कि किसी को किसी से मिलाना था। जी जी, जी आपकी ट्रेन इसलिए लेट हुई थी कि उस बच्ची को आपकी जरूरत थी। जी विधाता जो करते हैं अच्छा करते हैं। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं झारखंड जिला चतरा ग्राम कोबना के हूँ, ऐसे ज्ञान मोक्ष धाम गया से मैं आया हूँ। मैं गुरु दीक्षा के लिए आया हूँ, मैं शिव भक्त हूँ बचपना से, लेकिन आपका कथा सुन के मुझे इधर झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे गुरु बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं गुरु दीक्षा। कल मंत्र लीजिएगा सुबह 7:30-8:30। प्रश्न है गुरुदेव कि हम लोग सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनते हैं तो कथा जो सुनते हैं वो कथा में सत्यनारायण स्वामी का कथा नहीं भक्तों की कथा सुनाया जाता, जो सुने हैं उन लोग के सुनाया जाता है, सिर्फ सत्यनारायण भगवान का जय कहा जाता है, उसमें क्या है सब। देखो सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनते हैं ना कि लीलावती ने सुनी, कलावती ने सुनी, लकड़हारे ने सुनी, पंडित जी ने सुनी, ये तो महिमा है। यथार्थ में सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है ये आप पूछना चाह रहे हैं। जी जी गुरुदेव। सत्यनारायण भगवान की कथा यही है कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्रीमन नारायण को सत्यनारायण कहा जाता है, ईश्वर ही सत्य है, तो भगवान का ही नाम सत्य है, तो भगवान से जुड़ी जितनी कथाएं हैं वो सभी सत्यनारायण की कथा है। तो जितनी आप सुन लें, अब ये भागवत जी की कथा ये भी तो सत्यनारायण की कथा है क्योंकि ये भी तो सत्य कथा है, तो भगवान से जुड़ी जितनी कथाएं आप जितनी देखो, कथाएं तो अनंत है, जितनी आप सुन लें वही सत्यनारायण भगवान की कथा है। जी गुरुदेव। तो ये कथाएं जी राधे राधे। 18 पुराणों में, चारों वेदों में जितनी कथाएं हैं सब सत्यनारायण भगवान की, सत्य मीन्स ईश्वर, उस नारायण की कथा ही सत्यनारायण की कथा है, जितनी सुन लें उतना अच्छा है। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मेरा नाम सूरज है और मैं अभी JNU से PhD कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ दिल्ली से ही आया हूँ और मेरे साथ मेरी माता जी और उनकी माता जी भी यहाँ आई हुई है, तो वहाँ पर व्हील चेयर पर है, वो कुछ आपसे पूछना चाहती है। बिल्कुल आदेश हो तो माइक ले जाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी राधे राधे। हाँ मैया जी राधे राधे, कैसी हैं आप? मैं आजमगढ़ जिला से आई हूँ गुरु जी, और बहुत काफ़ी दिनों से सोचती थी कि आपको देख लूँ, आपसे मिल लूँ, कथा तो सुनती हूँ, लेकिन 2021 में मेरे पति गुजर गए हैं कोरोना में। अच्छा। और मैं तब से 4-6 महीना पूजा नहीं की, बाद में करने लगी। जी बच्चे को बैठा दो बेटा आगे से। तो गुरुजी मेरे बच्चे भी थोड़ा बाहर बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, और सभी बच्चे बहुत बढ़िया अच्छे हैं, बहुएं भी अच्छे हैं। जी तो गुरुजी मेरा बहुत मन था आपके यहाँ आने का, यही मेरा नाती है, मैं उसको जिद करके ले आया। अच्छा है। हाँ, आप तो अभी अंदर बैठिएगा, हम आपसे मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे। आप आई हैं इस अवस्था में भी आप आई हैं, और कोई सवाल हो आपका तो बताइए मेरी माँ। सवाल तो गुरु जी है कि मैया, पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। वृद्ध माता जी को एक
एक लोगों को गोद भी लेना है जी, और कल आपकी कथा कब से होगी? अब कथा इसके बाद जयपुर में है, जयपुर के बाद फिर यहाँ होगी, अब कल पूरी होने के बाद जयपुर चले जाएंगे। जैसे कल पूरी होगी यहाँ? हाँ, कल होगी पूरी। तो कै बजे से होगी? कल कथा सुबह 9 बजे से होगी, तो जाके वो लगभग 12-1 बजे पूरी होगी। यहाँ हम यहीं रुके हैं। आपका रुकने की व्यवस्था हो गई आपकी? हाँ, रूम की व्यवस्था तो यही हो गई है, भैया बता रहे हैं हो गई है। भोजन प्रसादी आप यहीं कर लीजिए, माताओं का दर्शन कर लीजिएगा ऊपर, और अभी हम मिलेंगे आपसे, अभी अंदर आ जाइएगा तो दर्शन हो जाएगा।